दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज एक बार फिर से आपका हेल्दी हेल्थ फॉर एवर चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं ऐसा एक घरेलू उपाय जिसको आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं और किसी भी तरह के फोड़े, पुलसिया, पुराना जख्म, इवन कील, मुहासे जो है उनको भी ठीक कर सकते हैं। ये बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है और उसको बनाने का कारण भी है कि इसको मैंने अपनी माँ को इस्तेमाल करते हुए देखा है। मेरी सिस्टर के बहुत सारे क्रॉनिक पिंपल्स, मुहासे ठीक ही नहीं हो रहे थे किसी भी तरीके से, और उसने जब इसको इस्तेमाल किया देन आई रियलाइज कि हाँ, ये दवाई कारगर है और इसको आप लोगों के सामने लेके आना चाहिए। तो बने रहे मेरे साथ आखिर तक, मैं आपको इसको बनाने की विधि भी बताऊंगा और इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें आपको सिंपली दो इंग्रेडिएंट्स को लेने की जरूरत पड़ेगी। जो इसका पहला इंग्रेडिएंट है वो है देसी घी। आप मात्रा के हिसाब से, जितना आप मरहम बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको देसी घी लेना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि आप करीब 30-40 ग्राम देसी घी ले लीजिए। और जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वह दोस्तों देसी गुड़, बिना किसी मिलावट का। पुराना गुड़ हो, नया गुड़ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो प्योर देसी गुड़ होना चाहिए। उसका एक छोटा सा टुकड़ा, आप मान लें कुछ 10 से 15 ग्राम जो है, ये इतना टुकड़ा आप गुड़ का ले लेंगे। इसको थोड़ा बारीक बारीक टुकड़ों में आप कर लीजिए, या उसको अगर वो मुलायम है तो उसको ऐसे करके एक साथ मिक्स कर लीजिए। अब आपके दोनों इंग्रेडिएंट्स आपके पास रेडी है। अब बात करते हैं कि इसको बनाते कैसे है। जैसे ये दोनों चीज़ आपके पास आती है, आपको एक बर्तन लेना होगा जिसको आपको हल्की आँच पे रख देना होगा। आप इस बर्तन को अच्छे से सुखा लें, यानी कि गर्म हो जाए, और इसमें से अगर पानी वगैरह है तो वो सूख जाए, तब इसके अंदर आप जो ये घी है वो डाल दीजिए। जैसे आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में, जब ये घी थोड़ा सा गर्म हो जाए, गर्म होने पे ही आप इस गुड़ को इसके अंदर डाल दीजिए। बीच बीच में इसको आप थोड़ा सा चम्मच से चलाते रहें सो दैट ये अच्छे से घुल जाए और नीचे बर्तन की तली में ना लगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो ये गुड़ है इसका कलर पहले रेड ब्राउन होगा, फिर और थोड़ा सा डार्क ब्राउन होगा, उसके बाद ये ब्लैकिश ब्राउन होने लगेगा, और देखते ही देखते ये जो गुड़ है पकते पकते बिल्कुल काला हो जाएगा, जैसे कोलतार होता है उसके तरीके से। जब ये बिल्कुल कोलतार जैसा हो जाए और चम्मच से आप जब घुमा रहे हैं वो एक साथ इकट्ठा होने लगे, तो आप मान लें कि अब आपका जो ये मरहम है वो रेडी है। हालांकि अभी आपको देखने में नीचे घी वैसे ही लगेगा, रहे तो अभी ऑयल जैसा ही है, मरहम तो ये बना नहीं है, क्योंकि ये घी है, आँच पे है तो ये पिघला ही रहेगा, इसकी फॉर्म अभी लिक्विड ही रहेगी। अब आप चम्मच से जो ये काला गुड़ है जो जल गया है इसको आप निकाल लीजिए, अभी भी उसमें कुछ पार्टिकल्स रह जाएंगे गुड़ के, और फिर एक छलनी से आप इसको किसी बर्तन में छान लीजिए। ठंडा होने के बाद इसको आप या तो किसी कांच के बर्तन में ही छाने या किसी कप में छान के रख लें, और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए अब इसको आप फ्रिज में रख दीजिए। सर्दी के मौसम में वैसे ही जम जाएगा, लेकिन जैसे आप इसको फ्रिज में रख देंगे तो ये बिल्कुल मरहम की तरह से हो जाएगा और आपका जो अल्टीमेट चमत्कारी आयुर्वेदिक मरहम है वो रेडी है, तैयार है इस्तेमाल करने के लिए। आप इसको गर्मी के दिनों में फ्रिज में ही रखें सो दैट ये जमा रहे, और सर्दी में आप बाहर भी रख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, जहाँ पे भी आपका कोई पुराना अगर जख्म है जो ठीक ही नहीं हो रहा है, इवन मैंने यहाँ तक देखा है कि एंटीबायोटिक्स के साथ साथ डेली ड्रेसिंग हो रही है, उसके बाद भी नहीं ठीक हो रहा है जख्म, बट इसके लगाने से ठीक हो गया। आप सोच सकते हैं, कह सकते हैं, यार भींगे डॉक्टर मैं ऐसी कैसी बात कर रहा हूँ, बट ये मैंने अपनी आंख से देखा है, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंट से आपसे ये बात कर रहा हूँ। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा सुबह शाम लगाएंगे। अगर आपके मुहासे हैं तो दानों पे आप रात को लगा लें, सुबह देखिए आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप घर में हैं तो सुबह शाम लगा लें, और बाकी जो फोड़े फुंसे हैं उन पर भी आप सुबह दोपहर शाम इसको लगा सकते हैं। अगर कोई जख्म है तो आप इसको एक तरह से एंटीसेप्टिक क्रीम की तौर पर यूज कर सकते हैं, उसको लगा के ऊपर से आप बैंडेज भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो क्रॉनिक वुंड है वो इससे ठीक हो जाएंगे। आप डायबिटिक हैं तो देखिए आपको ब्लड शुगर अपना कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन, नेचुरल आयुर्वेदिक मरहम आप घर पे तैयार कर लेंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं। खास तौर से मैं उन बच्चों से, लड़के लड़कियों से कहूंगा जो अभी अपने मुहासों से परेशान है, आप इसको इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने के बाद फिर मुझे फीडबैक दें, कमेंट करके बताएं। अगर वाकई आपको फायदा होता है तो फिर बाकी लोगों को इसको शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इससे फायदा मिल पाए और वो भी अपनी उस परेशानी को दूर कर पाए।
मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वाकई आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, इससे अगर आपको फायदा हुआ उसको लाइक कर ले, मुझे अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर ले, नहीं किया है तो फिर से कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा ले, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको समय पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।